Jesus! To protect this homicidal nutbag's wife. What is he doing here? तो फ्रेंड्स, आपका दोस्त एक बार फिर से आ चुका है एक नए वीडियो लेकर, जिसमें आपको मिलेगी चार बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज, और सारी मूवीज यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अच्छी मूवी मिस ना हो जाए। खैर, चलिए आज का काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। गाइस, नंबर 4 पर है 6.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ बढ़िया एक्शन कॉमेडी मूवी हिटमैन्स वाइफ्स बॉडीगार्ड। इसे रिलीज की गई थी 2021 में। गाइस, जहां तक स्टोरी की बात है तो ये शुरू होने वाली है माइकल ब्राइस से, जिन्हें अब डेरियस किनकेट के बाद उनकी वाइफ सोनिया किनकेट को दुश्मनों से बचाना होता है। गाइस, जैसी इसकी एक्शन है वैसी इसकी कॉमेडी सीन, यानी फुल मूवी धमाका है। नंबर 3 पर है 7.9 आईएमडीबी रेटिंग के साथ टॉम क्रूज की लाजवाब मूवी जैक रीचर। इसे रिलीज की गई थी 2012 में और बेस्ड है एक्शन थ्रिलर पर। जहां तक स्टोरी की बात है तो ये शुरू होने वाली है फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जैक रीचर से, जो आर्मी स्नाइपर जेम्स बार का केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। गाइस, आगे मूवी में काफी बढ़िया ट्विस्ट आने वाली है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। नंबर 2 पर है 6.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ एक्शन एडवेंचर मूवी द बर्मा कंस्पिरेसी। इसे रिलीज की गई थी 2011 में। गाइस, जहां तक स्टोरी की बात है तो ये शुरू होने वाली है न्यूली अपॉइंटेड सीईओ लार्गो विंस से, जिन पर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम की एलिगेशंस लगी हुई है। तो गाइस, इससे वो कैसे बचेंगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। नंबर 1 पर है 6.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ एक्शन थ्रिलर मूवी स्निच। इसे रिलीज की गई थी 2013 में। तो गाइस, स्टोरी शुरू होने वाली है जॉन मैथ्यू यानी रॉक से, जिनके बेटे ड्रग ट्रैफिकिंग की झूठी केस में फंस जाते हैं। तो गाइस, जॉन अपने बेटे को उस केस से किस तरह बाहर निकालेंगे ये देखने लायक है। You follow the drugs, you get players. You follow the money, you get a kingpin. Yeah, you know that he's never coming back. Hey John, you sure can pull this off. तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए चार बेहतरीन मूवीज, जो आपको YouTube पर हिंदी में मिल जाएगी। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो मिलते हैं एक नए काउंटडाउन के साथ। स्टे हेल्दी।